नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट, जब हम आर्यभट्ट बोलते हैं तो आप लोग को कुछ मेमोरी में आता है क्या? हु इज आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट हमारे देश के बहुत ही प्राचीन, आया अगर कहा जाए तो सबसे पहले मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े इस क्या थे? गणितज्ञ। गणितज्ञ मतलब कि अगर कहा जाए तो वो गणितज्ञ गणित की सबसे पहला, गणित के जो कंसेप्ट होते हैं उसके सबसे पहला फाउंडर वही। तो क्या है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो एक सैटेलाइट का भी नाम, सैटेलाइट जो कि हमारे पृथ्वी से काफी किलोमीटर दूर ऊपर स्पेस में रन करता है। और क्या होता है वो हमारे, जैसे मान लीजिए आप जो फोन लगाते हैं या फिर मैं आपको फोन बात करें, तो ये आपके यहाँ कैसे पहुंच जाता है? तो ये जो वायरलेस कनेक्शन होता है ये सैटेलाइट के द्वारा होता है। सैटेलाइट जो इंटरनेट का जाल है वो पूरे सैटेलाइट से पूरे अर्थ को कवर किए हुए, हम जहां भी फोन ले जाते हैं वो वहां तुरंत सेकंड भी नहीं लगता है, माइक्रो सेकंड लगता है और उसमें हम वहां पहुंच जाता है, वो फोन पहुंच जाता है। हम बस नंबर दबाते हैं और जहां भी, अगर फॉरेन में भी हमें लंदन फोन करना है, अमेरिका फोन करना है, ब्रिटेन फोन करना है, तुरंत हमें बाल कॉल हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि वो सैटेलाइट जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है और जो आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे उन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है, उन दोनों में क्या कनेक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट देखिए आर्यभट्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट लेकिन पढ़ते क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट नेम आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर। किसके नाम पे रखा गया है? एस्ट्रोनॉमर, जो हमारे देश के सबसे बड़े गणितज्ञ थे और सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, उनके उनके नाम पे आर्यभट्ट नाम का इंडियाज का, भारत का पहला सैटेलाइट था उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आप समझ गए आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट प्राचीन काल में, जब मैं आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा गुप्ता पीरियड था, तब बोलिएगा गुप्ता पीरियड कब था? जब क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा, तो आप बोलिएगा क्रिश्चियन एरा क्या था? तो जब काउंटिंग शुरू हुई, जब सन की काउंटिंग शुरू हुई जीरो से पहले चला गया तो वो बीसी में चला जाता है, और इसके बाद आता है तो क्रिश्चियन एरा में आता है। तो जो ईरा आता है 1 2 0 से 1 2 3 शुरू होता है, तो ये 400 और 500 सदी के बीच में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, और वो भारत के पहले ऐसे पहले गणितज्ञ थे, और अगर कहा जाए तो विश्व के पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित की में जीरो की अवधारणा की खोज। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, तो आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर, मतलब इस ये जो इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट था उनका नाम इनके नाम पे रखा गया, एस्ट्रोनॉमर, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट उनके नाम पे रखा गया। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कापुस्टिन यार अ सोवियत रॉकेट लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट इन अस्ट्राखान ओब्लास्ट यूजिंग अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। इट वाज बिल्ड बाय इसरो एंड लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन। देखिए क्या लिखा हुआ, आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जो लॉन्च हुआ था, ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था?
1975 को, तो आज कौन सा डेट है? तो आज 20 है और कल 19 था। तो हमें ये सब धीरे धीरे डेवलप करने चाहिए। हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ बुक से ही हमें, बुक में ही फंसे नहीं रहना चाहिए, हमें बाहर हमारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी भी नॉलेज रखनी। बार बार मैं आप लोग को समझा रही हूँ, पढ़ना एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। आप अपने आप को चाहते हो कि हम अपना ग्रोथ पाए, हम पढ़ाई अच्छे से करें, जब तक आप रोज नहीं पढ़ोगे, रोज कुछ नहीं सीखोगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी 3 महीने का गैप कर दोगे, फिर स्कूल आओगे आधे चीज भूल जाओगे, तो कोशिश करिए खूब पढ़िए, ठीक है। कुछ नहीं तो 2 घंटा तो रिवीजन जरूर करिए, 2 घंटा पढ़िए, ठीक है। तो बोल रहा है इट वाज लॉन्च्ड, आपने देखा होगा अभी हमारे पास चंद्रयान गया था, चंद्रयान तो उसको लॉन्च होते हुए देखे थे ना हम लोग, कितने लोगों ने लॉन्च होते हुए देखा। और जब लॉन्च हुआ तो वो कहाँ पे गया था, मून के, मून पे गया था, फिर उसको लैंड होते भी हमने देखा था। तो ये बोल रहा है लॉन्च किया गया, मतलब ये पृथ्वी से उसे छोड़ा गया। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल यानी कि अगर हम उसका बर्थडे मनाएं तो 19 अप्रैल को उसका बर्थडे होगा, जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था। तो 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कापोस्टेनिक एआर अ सोवियत रॉकेट, ये हमारे रॉकेट से लॉन्च नहीं हुआ था, हमारा जो हुआ था 1975 में, हम उतने डेवलप नहीं थे, हमारा कंट्री उतना डेवलप नहीं था कि वो अपने लॉन्चर से सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, ठीक है। तो वो सैटेलाइट जो होता है एक, उसको कोई मशीन लेके जाती है ऊपर में, सैटेलाइट को कोई मशीन लेके जाती है, इसीलिए उसको लॉन्च बोलते हैं, उसको लॉन्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कौन लॉन्च किया था? सोवियत रॉकेट लॉन्च किया था। कौन? सोवियत रॉकेट, सोवियत मतलब जो रशिया, आजकल न्यूज में आप देखे हो ना व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया का चीफ है। तो जो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसी रशिया ने हमारा, हमारे देश का पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एंड डेवलप साइट, कहाँ डेवलप किया गया था, वो साइट कौन था, जगह अस्ट्राखान ओब्लास्ट, यूजिंग अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। जो लॉन्च व्हीकल था जिससे उसको सैटेलाइट को ले गया, उसका नाम था कॉस्मोस 3M। क्या नाम था? कॉस्मोस 3M, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। इट वाज बिल्ड बाय इसरो, ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे जो इंडिया में जितने भी स्पेस से रिलेटेड वर्क होते हैं, या तो वो कौन करती है? इसरो करती है। और इसरो जैसे हमने देखे थे आदित्य L1 या फिर चंद्रयान, वो सब को कौन से, कौन लॉन्च करती है? तो इसरो लॉन्च करती है। एंड लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, बनाया उसको इसरो था, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना था, उसे इंडियन ने बनाया था, लेकिन उसको लॉन्च करने की टेक्निक हमारे पास उस समय नहीं थी। तो उस समय किसने उसे लॉन्च किया था? सोवियत यूनियन। आज उसका नाम रशिया है, लेकिन उसका नाम पहले क्या था? सोवियत यूनियन, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए थे, वो बहुत विशाल था। तो अब वो टूट गया, लेकिन पहले वो बहुत बड़ा था, इसीलिए उसका नाम था सोवियत यूनियन। और चलिए आगे देखते हैं, हु वाज आर्यभट्ट, बोल रहा है कि अब बताओ कि आर्यभट्ट कौन थे। हमने तो पढ़ लिया कि हमारा देश के पहला सैटेलाइट था, उसका नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ कब? 19 अप्रैल 1975 में। किसने लॉन्च किया? तो बनाया था इसरो ने, और लॉन्च किया सोवियत यूनियन। अब हम आगे देखते हैं कि जो जो मेन आर्यभट्ट थे वो कौन थे। तो लिखा है क्वेश्चन, हु वाज आर्यभट्ट,
वाज आर्यभट्ट। तो आंसर है आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर एंड डिस्कवरर। क्या बोल रहे हैं, जो आर्यभट्ट है वाज द फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन, जो आर्यभट्ट थे वो पहले मेजर, मेजर मतलब बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो बहुत बहुत अगर कहा जाए तो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री, जो तारों के बारे में पता करते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर। एंड डिस्कवरर, डिस्कवरर मतलब क्या क्या है, कैसे है हमारी पृथ्वी में, क्या क्या है उसको ढूंढना। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट एक है लेकिन उसके पहचान दो, मतलब पहचान दो है कैसे, एक सैटेलाइट के रूप में है और एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और डिस्कवरर के रूप में। मतलब एक आदमी है और एक सैटेलाइट है, एक आदमी जो फर्स्ट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर और डिस्कवरर है, और भारत का पहला सैटेलाइट उसका नाम भी क्या है, आर्यभट्ट। तो आप जब कुछ इसके बारे में, जैसे मैं ये लिखी हूँ तो उसको आप लिखिए, उसका संकलन कीजिए, उसको लिख के अपने कॉपी में लिखिए, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार आपको पढ़ना है। हर वीक में एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, कम से कम इसकी आधी नॉलेज तो याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, आर्यभट्ट वॉज बोर्न अराउंड 476 AD ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी इन बिहार। क्या बोल रहा है कि जो आर्यभट्ट है वो कब जन्म लिए थे, तो वॉज बोर्न अराउंड 476 AD में वो जन्म लिए थे, 476 एडी में वो जन्म लिए थे। एडी का मतलब होता है जब शुरू से काउंटिंग करना शुरू करते हैं शून्य से, तो शून्य से जब जब इंग्लिश कैलेंडर का प्रारंभ हुआ, जब इंग्लिश कैलेंडर का प्रारंभ हुआ तो जो शुरू का सन हुआ शून्य हुआ, शुरू शून्य के 476 साल बाद, ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। इस समय, उस समय हमारे भारत देश में गुप्त वंश का शासन था। किसका शासन था, गुप्त वंश का शासन था। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, इन बिहार, कहाँ हुआ है, बिहार में। तो आप लोग कभी जाइए बिहार में, बहुत ही घूमने की जगह, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, वहां घूम के आइए। ठीक है, आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड यूज्ड इट इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हमने कहा था ना कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले भारत में। सबसे पहले जो हमारा 0 to 9 जो संख्या है, संख्या का आविष्कार हुआ या खोज हुई वो भारत में हुआ है। और वो जो 0 है उसका सबसे पहले आविष्कार किन्होंने किया, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया, उसे परिचय कराया और कंसेप्ट जीरो का, जीरो जो है उसका परिचय आर्यभट्ट ने सबसे पहले कराया। और प्लेस वैल्यू जो हम इंग्लिश मैथ्स में पढ़ते हैं ना, प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू में जीरो का यूज करना किन्होंने सिखाया, आर्यभट्ट ने। ओके, आर्यभट्ट आल्सो ऑथर्ड 3 book ऑन एस्ट्रोनॉमी। क्या बोल रहा है कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र पे, खगोल शास्त्र क्या होता है, जो हमारे स्पेस में होता है, जो सन होता है, जो प्लैनेट होते हैं, जो स्टार होते हैं, जो आकाश गंगाएं होती हैं, अलग अलग गैलेक्सी होते हैं, उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ा जाता है, खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र या फिर एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो उन्होंने उस पे 3 book लिखे थे। कितने बुक लिखे थे, 3 book लिखे थे, लेकिन प्रेजेंट में बस एक ही बुक बचे हैं। प्रेजेंट में
उसके संरक्षण अच्छे से नहीं किया गया, उसका संरक्षण अच्छे से नहीं होने के कारण या फिर बहुत दिन हो जाने के कारण वो दो जो बुक थे उनके वो खराब हो गए। अब बस अभी कितने बचे हैं, बस एक ही बचे हैं। वन ऑफ द फेमस बुक्स राइटिंग बाई आर्यभट्ट इन आर्यावर्तिया, क्या बोल रहा है, जो उनका जो फेमस बुक है जो अभी जो बच रहा है उसका नाम क्या है, आर्यवर्तिया। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऑफ आर्यभट्ट हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो क्या बोल रहा है, इन्वेंशन जो ये आविष्कार है, डिस्कवरी जो उनकी खोज है, जो उनके आविष्कार और उनके खोज आर्यभट्ट के, हैव प्लेड अ क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब बहुत ही गंभीर गंभीर रोल अदा करते हैं। जो जीरो, आप इमेजिन कर सकते हो बिना मैथ में, बिना जीरो का नहीं। तो जो जीरो जो उनका इन्वेंशन था और जो उनकी डिस्कवरी थी, जो हमारे विश्व में ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या बोल रहा है कि जो साइंस है और जो मैथ है, मैथ और साइंस के इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप जो ग्रोथ होता है ना उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जो जो विकास हुआ, जो साइंस का विकास हुआ और जो मैथमेटिक्स का विकास हुआ, जो मैथ्स यानी गणित का विकास हुआ, उसमें आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है, इनका योगदान है आर्यभट्ट का। और उन्हीं का सम्मान देने के लिए, आर्यभट्ट को सम्मान देने के लिए क्या किया गया था, हमारे पहले सेटेलाइट, जो हमारा पहला सेटेलाइट है, फर्स्ट सेटेलाइट, उसका नाम क्या लिखा गया, रखा गया आर्यभट्ट। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़िए, समझिए, जानिए। जब आप जीरो पढ़िए तो ये याद कीजिए कि जीरो को किसने आविष्कार किया था, जीरो को किसने इंट्रोड्यूस कराया पूरे वर्ल्ड से, तो हमारे आर्यभट्ट ने कराया। जब आप प्लेस वैल्यू पढ़िए तभी याद करिए कि अरे इसे तो आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था। ठीक है, तो ऐसे पढ़िएगा तो आपको पढ़ना अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा और हम उनको इजीली समझते भी जाएंगे, अलग से रटने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।